नमस्कार, डीडी न्यूज पर अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जगत में यूरोप हो या एशिया, अमेरिका हो या अफ्रीका, विश्व भर से राजनीति से जुड़ी, कूटनीति दर्शाती, सामाजिक उथल पुथल पर रोशनी डालती खबरों के साथ साथ फिल्म, संगीत, कला और सांस्कृतिक जगत से जुड़ी खबरें दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। विमान गिराए जाने के बाद से रूस और तुर्की के बीच जुबानी जंग जारी। रूस का बड़ा आरोप, तुर्की आईएस से खरीद रहा है तेल। तुर्की ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। संसद से मंजूरी मिलने के बाद सीरिया में आईएस पर ब्रिटेन ने की ताबड़तोड़ बमबारी, तेल निकासी को बनाया निशाना। उधर जर्मनी भी आईएस के खिलाफ लड़ाई में देगा साथ। गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका। वैध बंदूकों से कैलिफोर्निया के कम्युनिटी सेंटर पर बरसाई गोलियां, 14 की मौत, 20 घायल। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। लंबे इंतजार के बाद रूढ़िवादी देश सऊदी अरब में वही बदलाव की बयार। स्थानीय चुनाव में महिलाओं को पहली बार मिला चुनाव लड़ने का अधिकार। 12 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। कलम बेचकर जिंदगी गुजारने वाले एक शरणार्थी की पल भर में बदली जिंदगी। एक पत्रकार ने सोशल साइट पर शुरू की मदद की मुहिम, हजारों हाथ बढ़े एक साथ। तो ये थी बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर यूरोप से, जहां रूस और तुर्की के बीच जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूसी विमान गिराए जाने के बाद से तुर्की और रूस के बीच तल्खी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आर्थिक नाकेबंदी के बाद रूस तुर्की पर आईएस के समर्थक होने का आरोप लगा रहा है। रूस ने आरोप लगाया है कि तुर्की आईएस के चूरी के तेल का बड़ा खरीदार है और इस खेल में राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान और उनका परिवार भी शामिल है। तुर्की ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। विमान को मार गिरा जाने से बौखलाया रूस तुर्की पर आर्थिक नाकेबंदी लगाने के बाद अब उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग करने की कवायद में जुट गया है। रूस ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए आईएस की तेल तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है। इल्जाम है कि सीरिया और इराक से आईएस द्वारा चुराए गए तेल का मुख्य खरीदार तुर्की है और इस खेल में अर्दोगन और उनका परिवार भी शामिल है। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि अर्दोगन का परिवार तेल की स्मगलिंग में शामिल है। आरोपों पर तुर्की ने कड़ा पलटवार किया। अर्दोगन ने आरोप साबित होने पर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। रूस और तुर्की के बीच जारी जुबानी जंग में अमेरिका तुर्की के साथ खड़ा है। ये इल्जाम सरासर गलत हैं और इनको अगर कोई साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तुर्की को किसी भी दूसरे देश की तरह अपनी सीमाओं की रक्षा का अधिकार है। तुर्की पर पहले भी तेल तस्करी का आरोप लगा है। एक विपक्षी नेता ने जून 2014 में 80 करोड़ डॉलर का तेल तुर्की में बेचने का आरोप लगाया था। तुर्की का एक अखबार भी तेल की तस्करी की खबर छाप चुका है। एक अध्ययन में बताया गया है कि 2015 में आईएस का रोजाना तेल उत्पादन 4500 बैरल प्रतिदिन था, जो आसपास के इलाकों में बेचा जाता है। ईरान भी तुर्की पर तेल तस्करी का आरोप लगा रहा है, लेकिन अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं। फिर भी रूस तुर्की को बार बार अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। तुर्की को अपने किए पर एक बार नहीं बल्कि बार बार पछताना पड़ेगा। सवाल उठना लाजमी है कि आईएस इतने धड़ल्ले से कैसे तेल बेच रहा है। पेरिस हमलों से बढ़े दबाव के बाद आईएस के 900 तेल टैंक नष्ट कर दिए गए। पश्चिमी देश तेल तस्करी पर हाथ डालने से इसलिए कतराते हैं, कहीं अन्य इलाकों की बड़ी आबादी आईएस के साथ न चली जाए। दरअसल आईएस स्थानीय लोगों की आमदनी का हिस्सेदार बनता जा रहा है, जिसके चलते उनकी आतंक की दुकान फल फूल रही है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन की मेट्रो में एक शख्स ने चाकू मारकर 3 लोगों को घायल कर दिया। लंदन पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना मानकर जांच शुरू कर दी है। शनिवार देर शाम ये घटना ईस्ट लंदन लीटन स्टोन मेट्रो स्टेशन पर हुई। आरोपी शख्स ने सीरिया का बदला चिल्लाते हुए चाकूबाजी की। पेरिस में चल रहे जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए एक समझौते का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने जल्द ही एक विस्तृत समझौते पर सहमति बनने की उम्मीद जताई है। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे बिंदु हैं जिसका समाधान निकालना टेढ़ी खीर है।
तपती धरती, पिघलते ग्लेशियर, यानी दुनिया के लिए खतरे की घंटी। ये खतरा इसलिए भी क्योंकि 15 साल में धरती का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। 1992 से अब तक हुए सभी सम्मेलनों में माथापच्ची हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पेरिस में एक बार फिर दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए कोई सर्वमान्य हल निकालने के लिए। पिछले कुछ सदियों से हमारी जलवायु में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन अब औसत तापमान बढ़ रहा है। मौसम का मिजाज इस तरह बदलता रहा तो धरती के अस्तित्व पर ही संकट बढ़ जाएगा। दिन में धरती जितनी गर्मी हासिल करती है, रात में उतनी गर्मी वापस वायुमंडल में अगर चली जाए तो धरती का तापमान ना बढ़े। पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसी कई गैस हैं जो सूर्य की इस गर्मी को अपने में लंबे समय तक बनाए रखती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। ग्रीन हाउस गैसों की परत साल दर साल अगर मोटी होती रही तो ये अधिक ऊर्जा सोखेगी, लिहाजा धरती का तापमान बढ़ता रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग से धरती की तासीर ही बदल जाने की आशंका है। पीने के पानी की कमी हो सकती है, खाद्यान्न संकट बढ़ सकता है, बाढ़, तूफान, सूखा की घटनाओं में इजाफा हो सकता है और ग्लेशियरों के पिघलने से कई तटीय देशों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। समुद्री तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन स्तर में लगातार गिरावट हो सकती है और इंसान और जानवरों की मौत की दर में व्यापक इजाफा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के पेरिस सम्मेलन में भी क्योटो और कोपेनहेगन की तरह अमीर और गरीब देशों के बीच खाई पड़ती नहीं दिख रही है। सम्मेलन में भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को दिए जाने वाले आर्थिक मदद के स्पष्ट रोडमैप देने की मांग की है। लिहाजा पेरिस में सबसे बड़ी चुनौती विकसित और विकासशील देशों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की है। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन इसके लिए तैयार होगा और कौन गरीब देशों की मदद के लिए पैसे और तकनीक से मदद करेगा। तो धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए पेरिस में माथापच्ची चल रही है, तो वहीं पेरिस के गुनहगारों को सबक सिखाने के लिए अब ब्रिटेन और जर्मनी भी जंग में कूद पड़े हैं। खबरें एशियाई देशों की। ब्रिटेन ने संसद के फैसले के बाद सीरिया में आईएस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। पहले हमले में तेल निकासी को निशाना बनाया। ब्रिटेन की संसद ने 10 घंटे की बहस के बाद सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हवाई हमलों को मंजूरी दी थी। इससे पहले ब्रिटेन सिर्फ इराक में आईएस के लक्ष्यों को निशाना बना रहा था। उधर जर्मनी की संसद ने आईएस के खिलाफ लड़ाई में सीधी भूमिका निभाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी है। पश्चिम एशिया जहां एक ओर आईएस और उसके खिलाफ लड़ाई का गढ़ बन गया है, तो वहीं सकारात्मक बदलाव की आहट भी यहां सुनी जा सकती है। सऊदी अरब में बन रहा है इतिहास। 12 दिसंबर को स्थानीय निकाय के लिए होने वाले चुनाव महिलाओं के लिए जश्न का मौका होंगे, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद पहली बार महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। लिहाजा महिलाएं बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और सऊदी अरब के रूढ़िवादी समाज में इसे ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। 10 साल का लंबा इंतजार ही सही, सीमित दायरा ही सही, आखिरकार वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार तो मिल ही गया। उस देश में जहां लंबे समय से महिला यानी आधी आबादी को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था। निकाय चुनाव के लिए 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इतिहास तो बनेगा ही जब 4 दीवारियों तक सीमित रहने वाले कदम पहली बार मतदान केंद्रों पर पड़ेंगे। उत्साह का जुनून देखिए, पहली बार ही मिले अधिकार के तहत 900 से ज्यादा महिलाएं चुनावी मैदान में कूद पड़ी। भले ही प्रचार के लिए तस्वीर छापने की इजाजत ना हो, पुरुषों के बीच जाकर प्रचार करने की मनाही हो, लेकिन हौसलों पर किसी की कैद नहीं। हौसला कूड़े, सीवर और पानी की समस्या को पटरी पर लाकर पुरुषों को जवाब देने का है। हमें इस लम्हे का इंतजार 10 वर्षों से था। जब से महिलाओं के लिए चुनाव के दरवाजे खुले हैं, मैं पहली महिला उम्मीदवार हूं जो शासन में भागीदारी के लिए प्रयास कर रही हूं। शाही शासन वाले देश सऊदी अरब में पहली बार 2005 में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए, लेकिन महिलाओं को चुनाव लड़ने की बात तो दूर, वोट डालने का भी अधिकार नहीं मिला। 2011 में किंग अब्दुल्ला ने समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कई कदम उठाए। उनमें एक था मतदान का अधिकार, लेकिन चुने जाने का अधिकार न था। उधर मजलिस शूरा यानी सलाहकार समिति में महिलाओं को जगह 2006 में ही मिल गई थी, जब 6 महिलाएं समिति के लिए मनोनीत हुई, लेकिन वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा गया। अब शूरा में महिलाओं की संख्या 12 तक पहुंच गई है। मतदान का अधिकार मिलने से वो व्यवस्था में पूर्ण भागीदार होंगी,
नए कानूनों की समीक्षा कर सकेंगी, उनमें संशोधन के लिए सुझाव भी दे सकेंगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से हम लोग अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। कहते हैं इस्लाम से पहले अरब में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जिस सरजमी पर लड़की के वजूद को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया हो, आज उसी जगह पर वो अजनबी हैं, अपने वजूद की जंग लड़ रही हैं। रोजमर्रा की जरूरतों की जंग, अभिव्यक्ति की जंग, पहनावे की जंग। लेकिन हाल के दिनों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भरोसा बढ़ता है कि उम्मीद के रोशनदान अभी भी खुले हुए हैं। महिलाएं भले ही कार ड्राइविंग के अधिकार की जंग हार गई हों, नए कारोबार के पंजीकरण के लिए पुरुष एजेंटों की जरूरत को खारिज करना, शिक्षा का समान अधिकार और तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड की इजाजत का मिलना बताता है कि ये रूढ़िवाद समाज अब बदल रहा है। चीन की करेंसी युआन को लेकर चीन की कोशिशें रंग लाई हैं। अब युआन को आईएमएफ ने आधिकारिक दर्जा दे दिया है। आईएमएफ ने चीन की करेंसी युआन को पांचवी रिजर्व करेंसी के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। अभी इस बास्केट में अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापान की करेंसी येन शामिल हैं। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, फिसलती विकास दर, गोते खाता शेयर बाजार, बावजूद इसके चीन की मुद्रा युआन दुनिया की पांचवी सबसे ताकतवर करेंसी बनने जा रही है। आईएमएफ ने युआन को पांचवी रिजर्व करेंसी के रूप में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। औपचारिकताएं अक्टूबर 2016 तक पूरी कर ली जाएंगी। रिजर्व करेंसी को एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं, जो आईएमएफ के सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के तौर पर गिनी जाती हैं। संकट के समय इसके बदले आईएमएफ से संसाधन मिलते हैं। एसडीआर एक तकनीकी इंतजाम है जिसकी जरूरत दुर्भाग्य से ही पड़ती है, लेकिन परोक्ष रूप से ये क्लब दरअसल दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों के गठन का आधार है। युआन को 10.92% का वेटेज दिया जाएगा, जबकि डॉलर को 41.73, यूरो को 30.93, येन को 8.33 और पाउंड को 8.09% का वेटेज मिला हुआ है। आईएमएफ के विशेष निकासी अधिकार एसडीआर के लिए युआन पांचवी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मुद्रा है। डॉलर, यूरो, पाउंड और येन के बाद अब युआन को इसमें शामिल किया गया है। चीनी अर्थव्यवस्था के वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एकीकरण के लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम है। किसी मुद्रा के लिए आईएमएफ के मूल्यांकन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि इस मुद्रा को जारी करने वाला देश बड़ा निर्यातक हो। विश्व निर्यात में चीन का हिस्सा 11% है। इस पैमाने पर युआन डॉलर और यूरो के बाद तीसरे नंबर पर है। दूसरी शर्त करेंसी का मुक्त रूप से इस्तेमाल होना है, लेकिन इस पैमाने पर चीन शायद खरा नहीं उतरता, क्योंकि इसकी कीमत भी बाजार नहीं बल्कि चीन की सरकार तय करती है। आईएमएफ का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में युआन का हिस्सा काफी बड़ा है। अगले कुछ महीनों में दुनिया के देश अपने विदेशी मुद्रा भंडारों का पुनर्गठन करेंगे और युआन का हिस्सा बढ़ाएंगे। माना जा रहा है कि करीब $1 ट्रिलियन के अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार युआन में बदले जाएंगे, यानी कि डॉलर की तर्ज पर युआन की मांग भी बढ़ेगी। हालांकि अभी भी कई देश चीन की शासन प्रणाली से घबरा रहे हैं, लिहाजा चीन को विदेशी मुद्रा सुधार, बैंकिंग सुधार और वित्तीय सुधार जैसे कई कदम उठाने होंगे। तो युआन की एलीट क्लब में शामिल होने से चीन नए भरोसे से लबरेज है, तो वहीं अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी की घटना से दहल गया है। हालांकि बराक ओबामा कह रहे हैं कि अमेरिका के भरोसे को कोई हिला नहीं सकता। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो कम्युनिटी सेंटर में सेना की वर्दी में कुछ बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए और 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला है कि हमलावर दंपत्ति पाकिस्तानी मूल के हैं। आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कैलिफोर्निया की सैन बर्नार्डिनो का कम्युनिटी सेंटर सुबह की 11 बजे थे। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का ये सेंटर खचाखच भरा हुआ था। अंदर पार्टी चल रही थी।
मौज मस्ती और जश्न के इस माहौल पर ग्रहण लगाने सेना की वर्दी में कुछ बंदूकधारी पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 14 की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर भी मारे गए और 1 गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि हमले में इस्तेमाल होने वाली 4 बंदूकें कानूनी तौर पर खरीदी गई थी। हमलावर दंपत्ति सैयद फारूक और तशफीन मलिक पाकिस्तानी मूल के हैं। जांच अधिकारियों को हमलावर के घर हथियारों का बड़ा जखीरा भी हाथ लगा। तलाशी के दौरान 12 पाइप बम और 5000 गोलियां मिली हैं। बस यहीं से शक गहरा गया और जांच एजेंसियों ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। हमले की आतंकी पहलू से भी जांच की जा रही है। सोमवार तक मृतकों के सम्मान में झंडे को आधा झुकाने के आदेश दिए गए हैं। This is work that should unite us all. हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। यही हमले में मारे गए लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे ही हम उन लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं जो हमारा दिल दुखाना चाहते हैं। We are Americans. We will uphold our values. I'm aware of the Facebook post you're mentioning and मुझे पता है कि आप किस फेसबुक पोस्ट की बात कर रहे हैं। हम अभी उसको देख रहे हैं। मुझे पता है कि वो एक आम टाइमलाइन है। आतंकी संगठन IS ने हमले की जिम्मेदारी ली। दरअसल कुछ समय पहले महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर IS के एजेंडे का समर्थन किया था। पाकिस्तान मूल की तशफीन मलिक का जन्म पाकिस्तान में हुआ और पढ़ाई लिखाई सऊदी अरब में। अमेरिकी नागरिकों को अपनी मंगेतर के लिए दिए जाने वाले विशेष वीजा पर तशफीन पिछले वर्ष अमेरिका आई थी। सवाल उठता है कि जो आतंकी समूहों से सहानुभूति रखता हो वो कैसे सुरक्षा एजेंसियों की आंख में धूल झोंककर मंजिल पर पहुंच जाता है। ब्राजील के निचले सदन के स्पीकर ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब देश एक ओर भ्रष्टाचार के घोटाले से जूझ रहा है तो दूसरी ओर मंदी गहराती जा रही है। डिल्मा रोसेफ पर बजट की खामियों को ढांकने के लिए सरकारी खातों में गैर कानूनी तरीके से हेर फेर करने का आरोप है। कोलंबिया में खजाने से लदे स्पेन के ऐतिहासिक जहाज का मलबा मिला है। कोलंबिया के राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सेंटोस ने ट्वीट कर सेंट जोस जहाज के मलबे के मिलने की पुष्टि की है। साल 1708 में स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध के दौरान इस जहाज को ब्रितानी जहाजों ने डुबो दिया था। जहाज में पन्ना सोने और चांदी के सिक्के होने की उम्मीद है। और अब खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से, जहां हिंसा के मामले शांत नहीं हो रहे। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक रेस्तरां में बम फेंकने की घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना शहर के अगोजा इलाके में हुई। खबरों के मुताबिक 3 नकाबपोशों ने रेस्तरां पर बम फेंके और फरार हो गए। सुरक्षा बलों का मानना है कि ये रेस्तरां के किसी असंतुष्ट कर्मचारी की हरकत हो सकती है। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में रॉश मार्क काबोर को बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। काबोर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की है। उन्हें 53.5% मत मिले। बुर्किना फासो पर 27 वर्षों तक ब्लेस कामपोर का शासन रहा, लेकिन सत्ता पर बने रहने की कोशिश के लिए जब उन्होंने संविधान में संशोधन का प्रयास किया तो सेना समर्थित प्रदर्शनकारियों ने 2014 में उनका तख्ता पलट कर दिया। इराक के सिंजार में एक सामूहिक कब्रिस्तान का खुलासा हुआ है जिसमें 70 से ज्यादा कंकाल मिले हैं। सिंजार वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले तक कुख्यात आतंकी संगठन IS का कब्जा था। आतंक के सौदागर इलाके के एक अल्पसंख्यक समुदाय को अशुद्ध बताकर उन्हें नेस्तनाबूद करने पर आमादा हो गए। आखिर कौन लोग हैं ये जिनके पीछे IS के लोग पड़े हैं? करीब साल भर पहले इराक के सिंजार इलाके में एक विशेष समुदाय यजीदी पर कहर टूटा। पुरुषों का कत्ल किया गया तो महिलाओं को अगवा कर उनकी अस्मतें नीलाम की। मासूम बच्चे भी IS के जुल्म से नहीं बच पाए, लिहाजा जान बचाने की खातिर अपने पूर्वजों की जमीन को अलविदा कह दिया। दुनिया भर में करीब 8 लाख यजीदी हैं। आमतौर पर वे इराक के उत्तर में रहते हैं जहां कुर्दों का भी भारी प्रभाव है। दोनों की भाषा भी लगभग एक जैसी है। इराक से बाहर सबसे ज्यादा यजीदी यूरोपीय देश जर्मनी में रहते हैं।
यजीदी फारसी भाषा के इजीद से बना है, जिसके मायने फरिश्ता या देवता हैं। यजीदी अपने ईश्वर को यजदान कहते हैं, लेकिन यजदान की सीधे उपासना नहीं की जाती। 7 फरिश्ते दुनिया में उनकी मदद करते हैं। मोर के रूप में मलिक ताउस उनमें सबसे अहम है। मान्यता के अनुसार मलिक ताउस वही शैतान है जिसने आदम को सजदा करने से मना कर दिया था। मुस्लिम और अन्य धर्मों के बिल्कुल उलट ईश्वर ने सजदा नहीं करने पर ताउस को न सिर्फ माफ किया बल्कि उसके स्वाभिमान से भी प्रभावित हुआ। यजीदी दिन में 5 बार मलिक ताउस की उपासना करते हैं। यही वजह है कि उन्हें शैतान का पुजारी भी कहा जाता है। दोपहर की पूजा लालिश पहाड़ियों की तरफ मुंह करके की जाती है, जहां उनका पवित्र मजार है। शैतान को पूजक बताकर उन्हें कई बार निशाना बनाया गया। 18वीं और 19वीं सदी में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। 2007 में यही घटना फिर से दोहराई गई। यजीदी के लिए धर्म निकाला सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए उनमें धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। और अब दुनिया के दिल में बात एक ऐसे शख्स की जो परोपकार के जरिए इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फेसबुक सम्राट मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी, जिन्होंने अपनी बेटी मैक्स के जन्म पर तोहफा दिया और अपनी करीब करीब सारी संपत्ति दान में दे दी ताकि गरीब बच्चों को जिंदगी में खुशियां मिल सके। गरीब को देखकर बेटी तड़पे ना, भूखे को देखकर बिलखे ना, बीमार को देखकर कराहे ना, इसलिए एक माँ बाप ने गरीबी भुखमरी को ही जड़ से मिटाने के लिए जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया, ताकि गरीब बच्चों की जिंदगी में खुशी आए, उन बच्चों को खिलौने के लिए रोना ना पड़े, रोटी के लिए सिसकना ना पड़े, पढ़ाई की आड़ में पैसा ना आए। लिहाजा एक बाप अपनी बेटी की पैदाइश पर ऐसा नायाब तोहफा देता है जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो। ये कोई और नहीं फेसबुक के जन्मदाता मार्क जुकरबर्ग हैं, जो हाल ही में एक बेटी के बाप बने हैं। जुकरबर्ग दंपति ने अपनी दुधमुही बेटी को लिखे पत्र में लिखा कि वे अपनी 99% यानी करीब $45 अरब की संपत्ति दुनिया की फौरी समस्याओं के निदान के लिए दान देना चाहते हैं। मार्क जुकरबर्ग की मौलिक रचनात्मकता संवेदनशीलता की मिसाल है फेसबुक, जिसने करोड़ों दिलों में दफन रहने वाली संवेदनाओं को अभिव्यक्ति का मंच दिया। जुकरबर्ग के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन नेटवर्क के 42 करोड़ शेयर हैं, और अब बेटी को नायाब तोहफा देने के लिए जुकरबर्ग आने वाले 3 सालों में हर साल $1 अरब के शेयर बेच देंगे। बेटी मैक्स को लिखे पत्र में जुकरबर्ग लिखते हैं, सभी माता पिता की तरह हम भी चाहते हैं कि तुम हमारी आज की दुनिया से बेहतर दुनिया में बड़ी हो। जुकरबर्ग दंपत ने गरीबी और भुखमरी के खिलाफ पहले ही जंग छेड़ रखी है। उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने घर के निकट गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित किया है। इससे पहले न्यूजर्सी के शिक्षा विभाग को $10 करोड़ दान भी दिया है। फेहरिस्त और भी लंबी है। माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स और निवेशक वॉरेन बफे जैसे कई अरबपतियों ने पिछले साल अपनी संपत्तियों को दान करने की घोषणा की। भारत के अजीम प्रेम जी भी इस मुहिम में शामिल हैं। ये सच है कि जुकरबर्ग के दान का ये फैसला पूरी दुनिया के हालात नहीं बदल सकते, लेकिन जुकरबर्ग ने एक रास्ता दिखाया है कि अगर बेटी के नाम थोड़ा थोड़ा ही दान दिया जाए तो दुनिया के करोड़ों बेटे और बेटियों के हालात जरूर बदल जाएंगे। तो मार्क जुकरबर्ग ने पेश किया एक अनुपम उदाहरण, लेकिन परोपकार करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। आपका एक छोटा सा कदम एक नहीं बल्कि कईयों की जिंदगी रोशन कर सकता है। जैसे लेबनान में एक सीरियाई शरणार्थी अत्तार को मिली नॉर्वे के पत्रकार और वेब डेवलपर साइमन ऑर्सन की मदद, जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। लेबनान का बैरूत शहर, चिलचिलाती धूप, शोले उगलती सड़क, सड़क पर दंदनाती मोटर गाड़ियां, कांधे पर खूबसूरत बच्ची लादे एक शख्स मोटर वालों को कलम बेचकर पेट की आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। मालूम नहीं कि वो कलम बेचने में कितना कामयाब रहा, लेकिन एक राहगीर का दिल जीतने में जरूर सफल हुआ। पास से गुजर रहे नॉर्वे के पत्रकार और वेब डेवलपर गैसूर साइम नॉर्सन की निगाहें कलम बेचने वाले सीरियाई शरणार्थी अब्दुल हलीम अल अत्तार पर टिक गई। बस उसी वक्त अत्तार की मदद का फैसला कर लिया।
पत्रकार हाईटेक था, लिहाजा मदद का तरीका भी नायाब ढूंढा। एट बाई पेन के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया, साथ ही सोशल साइट इंडीगोगो पर अत्तार के लिए $5,000 इकट्ठा करने की एक मुहिम शुरू की। 3 महीने बाद मदद के खाते में जमा होने वाली रकम $1,88,685 तक पहुंच चुके थे। तकनीकी कारणों में प्रक्रिया के चलते अब तक राशि का 40% ही भुगतान हो पाया। कलम बेचने वाले की जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाने के लिए ये 40% रकम ही काफी थी। अत्तार ने इस राशि से पहले बेकरी खोली, फिर कारोबार को बढ़ाते हुए एक रेस्तरां भी स्थापित किया। एक कमरे वाले घर की जगह 2 कमरे वाले मकान ने ले ली। कंधे पर झूलने वाली बच्ची के पास अब खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने हैं, और पढ़ाई छोड़ चुका उसका 9 साल का भाई अब फिर से वापस स्कूल जाने लगा है। हालात में बेहतरी के बाद अत्तार ने पुराने दोस्तों के दर्द से मुंह नहीं मोड़ा, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अत्तार मूल रूप से फलस्तीन का रहने वाला है, हालात से भागकर सीरिया की राजधानी दमिश्क में पनाह ले रखे थे, लेकिन जंग के जुनूनियों ने उसे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया। बमों ने जब उसके शरणार्थी शिविर को रौंद डाला और भागकर वो बैरूत पहुंच गए, जहाँ जिंदगी ने करवट ली और उसे सड़कों पर भटकने से निजात मिल गई। लेकिन न जाने अब भी बैरूत की गलियों में कितने अत्तार हैं जिन्हें साइम नॉर्सन जैसे फरिश्तों का इंतजार है। शरणार्थी अत्तार की किस्मत का दरवाजा तो खुल गया, लेकिन लाखों शरणार्थियों के लिए यूरोप के दरवाजे अब तक नहीं खुले हैं, जो कड़ाके की ठंड में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कबीर ने ठीक कहा था, धन रहे न जोबन रहे, रहे न गांव न ठाम, कबीर जग में जस रहे, करी दे किसी का काम। खबर दुनिया की कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप अपने सुझाव, अपने प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabardunyaki@gmail.com। अंत में आपको छोड़े जाते हैं मॉस्को में चल रही क्रिसमस की तैयारियों की कुछ रोचक झलकियों के साथ। आप उठाइए इन तस्वीरों का लुत्फ, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।